देखो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस धरती में आप कितना खुश रहेंगे वो बहुत हद तक आउटसाइडर्स में डिपेंड करता है। ध्यान रखें, इस धरती में आपको जो लगता है कि सिर्फ मेरे के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है हम कितना खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप कितना खुश रहेंगे बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हमारा आउटसाइडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे ना, आपका जो शादी होगा वो आउटसाइडर से होगा, आपका ब्रदर का जो शादी होगा वो भी आउटसाइडर से होगा, आपका जो सिस्टर का शादी होगा वो भी आउटसाइडर से ही होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि आपका जो लाइफ है वो बहुत हद तक अफेक्टेड होता है आउटसाइडर से। ऐसे बहुत सारे आपको देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पिताजी माताजी होता है वो अपना बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, बट बाकी लोगों से वो उतना कंसर्न नहीं रहता है। बाद में क्या होता है ना, बाद में होता है कि उनका जो बेटा है उसका जो शादी होता है वो एक आउटसाइडर से। अगर वो जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ है, वो बाहर से अच्छा मिल गया तब तो बहुत अच्छा से बुढ़ापा बीत जाता है, बट अगर अच्छा नहीं मिला तो ज़िंदगी जो है एकदम मतलब बहुत खराब चला जाता है, खराब हो जाता है। तो मतलब क्या है ना, आपका कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। आप बोलोगे मेरा कोई गलती नहीं है तो आउटसाइडर से होता है, बट नहीं, हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें आउटसाइडर को भी टेक केयर करना है। ये जो एक हमारा कुछ लोग बोलते रहता है दुनिया भर में जाए, बहुत गलत सोच है ये, ऐसे कभी ना सोचे। क्योंकि आप जहां भी जाओगे, ये बात सुन लो, सिर्फ शादी का बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां भी जाओगे, आपने जॉब करने जाओगे तो आपको एक बॉस से पहले मिलना पड़ेगा, और वो भी आउटसाइड से आएगा, ठीक है, वो आउटसाइडर से होता है। आप जॉब में जाओगे, आपको कॉलीग्स मिलेगा, वो भी आउटसाइडर से होता है। अब वो आउटसाइडर्स अगर घटिया मिल गया तो आप जो है खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकते, खुशी खुशी जॉब नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो सोचना है, पहले ध्यान रखें ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो हमारा पूरा सोसाइटी को अच्छा करो। सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा सोसाइटी उसको अच्छा करो, ठीक है, पूरा सोसाइटी को अच्छा करो। आपका अगल बगल में कोई भी है उसको हेल्प करो, उसको अच्छा करने का कोशिश करो। क्यों करो ना, एक कॉलोनी में अगर 1000 आदमी रहता है उसमें अगर 2 आदमी भी बहुत ही घटिया मिल गया ना, वो बाकी 998 को जीना हराम करके रख देता है। क्यों ना, इसका कारण नहीं है कि आपको जो बाहर होता है, आउटसाइडर्स होता है, ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है आपने से जो अच्छा बनना हो तो बने, बट बाकी जो दुनिया में जितना भी है, जितना भी हमारा प्राय है, उसको कोशिश करें अच्छा करने का। आप कोशिश करते रहोगे तो ऑब्वियसली हम सब मिला के अगर कोशिश करें कि हम सबको अच्छा करने का कोशिश करें तो अच्छा होगा, और अगर सब अच्छा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा सा लॉजिकली समझ जाओ कि आप अपना लाइफ में, आपका जो आपका फ्यूचर में जो है आपको जो लगता है मैं कितना खुश रहूँगा, वो आप ध्यान रखें कि आप शादी करोगे एक आउटसाइडर से। अब अगर सारे लोग मिला के, ठीक है, पुराना जितना भी लोग थे सारे मिला के आउटसाइड को ही गंदा करके गया तो आपको अच्छा कहाँ से मिलेगा, ये बात तो सोचो। फिर आपने गंदा किया तो आपका बेटे को कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है ना, आप ध्यान रखें, हर आदमी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ है वो बहुत हद तक आपको आउटसाइडर्स में डिपेंड करता है। इसलिए पूरा दुनिया को अच्छा बनाने का कोशिश करें, सिर्फ आपने बारे में ना सोचे, पूरा धरती के बारे में, बाकी जो पूरा हमारा सोसाइटी है उसके बारे में भी सोचे। कोई सोसाइटी में कोई भी अगर बच्चा, अगर उसको गाइडेंस नहीं मिला तो आप उसको गाइड करिए। क्यों गाइड करिए ना, वो अगर खराब हो गया तो आपको इफेक्ट हो जाएगा, आपको उसका इफेक्ट आएगा, ध्यान रखें। और ये भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान इस धरती में कभी खराब नहीं बनना चाहता है। कोई भी बंदा पैदा जो होता है वो खराब बनने के लिए पैदा नहीं होता है,
उसको कुछ ना कुछ हमारा सोशल सिस्टम में ऐसा कुछ लोगों के साथ मुलाकात हो जाता है जो उसको खराब करने के लिए मदद करता है, और उसको लगता है कि ये अगर खराब हो गया, ये अगर तो दूसरे का बच्चा है, तो पड़ोसी का बच्चा है, किसी का बच्चा है, तो ये अगर खराब हो गया हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप ध्यान रखें कि कोई भी इस सोसाइटी में अगर खराब बन रहा है तो उसके कारण हमारा सोसाइटी अफेक्टेड होता है। तो हमारा सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो इतना भी हमारे पास लोग होता है सबको टेक केयर करें, ठीक है, हम सबको टेक केयर करें, हम जितना कर सकते हैं हमारा तरफ से जितना हो सकता है उसका टेक केयर करें। तो एकदम ध्यान से सोचे, इस बात को एकदम गहराई से सोचे कि आपका लाइफ जो है आप अपने के ऊपर से सिर्फ नहीं होता है, आप अपने के ऊपर से सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, दुनिया का आउटसाइडर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक है, हम कॉलेज में गए, स्कूल में गए, कहाँ भी गए, आप जितना भी प्राणी जितना भी उसमें आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सारे आउटसाइडर से है। आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आप बोले हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उस फ्रेंड सर्कल को भी अफेक्ट कर देंगे आउटसाइडर्स। ये बात ध्यान रखें, सारे लोग एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी ये जो कोरोना वायरस आया था इसमें ही पता चल रहा ना, सारे लोग एक दूसरे से लिंक्ड है, वी आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो हम अगर सारा दुनिया को अच्छा रखें तभी हम अच्छा से रह पाएंगे, और हम अच्छा रह पाएंगे, हमारा जो है बच्चे अच्छा रह पाएंगे, उसका बच्चा होगा वो अच्छा रह पाएंगे। कैसे ना, उसके लिए कोई भी चीज़ अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलना सीखे। मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो गलत को गलत नहीं बोल पाता है। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग ऐसे सोचे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। ये मत सोचिए, अगर गलती गलत आज किसी के साथ हो रहा है आप चुप हो तो वो ध्यान रखे नेक्स्ट जो है आपके साथ भी होगा। ये बात एकदम कान खोल के सुन लो, जब किसी के साथ गलत हो रहा है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के साथ और मैनेजमेंट गलत कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप चुप बैठे हो, तो आप ध्यान रखे नेक्स्ट बारी आपका है, ये होता है। इसलिए क्या करना है ना, हम हमेशा रखे सोचेंगे कि हमारा पूरा धरती में, ठीक है, पूरा धरती में हमें हर आदमी को प्रयास करते रहना है कि कोई अन्याय, कोई अत्याचार जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्यों ना, उससे पैदा होता है कुछ एलिमेंट जो खराब एलिमेंट पैदा हो जाता है और उसके कारण हमारा सोसाइटी में खराब होता है। फिर जब हम सोसाइटी को गाली देते हैं, तेरा ये हो गया, हमारा ये हो गया, ऐसा नहीं है, हम भी उसका रिस्पॉन्सिबल है। हम हमारा तरफ से प्रयास नहीं किया आउटसाइडर को अच्छा करने का। और आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आपका शादी करने से शुरू करके आपके बच्चे का शादी होगा आउटसाइडर से, आपका भाई का भी शादी होगा आउटसाइडर से, आपका सिस्टर का भी शादी होगा आउटसाइडर से, किसका नहीं होगा, सब आउटसाइडर से है। और पूरा दुनिया जो है इस तरह से चल रहा है, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि हम कितना खुश रह पाएंगे। जैसे मान लो आपने ऑफिस में गया, आपका जो कलीग है 10 कलीग है, उसमें से एक है बहुत ही घटिया, उसका नियति खराब है, उसका इंटेंशन ही खराब है। आप बाकी 9 लोग जब भी कोशिश करें एकदम सुकून से काम नहीं कर सकते, एकदम एक फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है। आप 9 लोग सही हो ऐसा है, बट वो एक गलत है। अब वो एक गलत क्यों है ना, वो कहीं ना कहीं से उसको ये फीडबैक नहीं मिला कि इस धरती में अच्छा रहने के लिए सबको अच्छा रहना जरूरी है। मतलब अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा से बचा करना चाहता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को और अपलिफ्टमेंट करना चाहता है और अच्छा से काम करना है, तो सबको मिल के हमें काम करना होता है और हमको सबको साथ लेके काम करना होता है, तभी जाके अच्छा बनता है। इसलिए बात ध्यान रखें कि आप जैसे हमारा जो है कंपटीशन कर करके अगल बगल से, ठीक है, कंपटीशन कर करके हमने क्या करता है, हमारा ही सिस्टम को बिगाड़ देता है। फिर हम क्या करता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है कोई बात नहीं, उसके साथ हो रहा है कोई बात नहीं, हमें क्या, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा टाइप का एटीट्यूड से हमारा धरती में, हमारा इस सोसाइटी में, हमारा जो है अड़ोस पड़ोस में कुछ जो है घटिया आदमी पैदा हो जाता है। पैदा नहीं होता है, पैदा होने के बाद वो बन जाता है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर लिया कि इस धरती में कोई भी इंसान खराब नहीं बनना चाहता है। कोई भी एक चोर है, उसको पूछो, ठीक है भाई, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा चोर बने? वो बोलेगा नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा बने। तो आप क्यों करते हो?
फिर आपको बताएगा उसका कहानी क्यों है, क्या है उसके कारण, ठीक है। नियत जो है हर आदमी का जो है ये नहीं होता है कि खराब बनूं, हर आदमी चाहता है हम, मतलब इंसान मतलब ही है वो चाहता है हम अच्छा बने, एकदम ध्यान रखे। हर इंसान जो भी पैदा हुआ इस धरती में, जो भी पैदा हुआ वो कभी खराब नहीं हो सकता, उसको कंडीशन सोसाइटी, उसको सोसाइटी, हमारा सोसाइटी खराब करते हैं, ठीक है। और खराब करते हैं, करने के बाद जब खराब हो जाता है तब जाके हम बोलते हैं नहीं ये हो गया वो हो गया इस टाइप का। देखो हमें कोशिश करते रहना है, हमारा तरफ से हर आदमी अगर कोशिश करे कि नहीं हमारा सोसाइटी को हम अच्छा बनाएंगे तो हम क्यों नहीं अच्छा बना सकते, ठीक है। हमारा अगर सोसाइटी को हम सारे लोग कोशिश करें क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। आप अन्याय हो रहा है, ठीक है, आपके साथ भी नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ भी हो रहा है, आप उसका प्रोटेस्ट करो। और अगर सारे लोग मिला के प्रोटेस्ट करेंगे अन्याय नहीं होगा, बट क्या करता है उसके साथ हो रहा है कोई बात नहीं, इसके साथ हो रहा है कोई बात नहीं, हमें कोई बात नहीं, बट अगला दिन आपका भी होगा। इसलिए बात ध्यान रखें कि हमेशा हमेशा इस धरती में अगर आप खुश होकर रहना चाहते हैं तो आपको एकदम जो है पूरा धरती में जितना भी आदमी है सब अच्छा रहे ये सोच लाना पड़ेगा पहले। मैं खुद के लिए अच्छा सोचता हूँ दैट इज़ ए गुड थिंग, एंड पूरा दुनिया के लिए अच्छा सोचता हूँ दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। और अगर दोनों आप सोचते हो तभी आप इस धरती को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो। और सिर्फ सोचना नहीं, ऐसा ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे हमारा दुनिया अच्छा रहे, ठीक है, जिससे हमारा सोसाइटी अच्छा रहे। और सोसाइटी अच्छा रहेगा तो आप अच्छा रहेंगे, आप अच्छा रहेंगे तो आपका जो है घर अच्छा रहेगा, घर अच्छा रहेगा तो आपका जो वहाँ से जो भी निकल रहा है वो भी जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर लोग अच्छा रहेंगे, ठीक है। आप ऑफिस में जाते हो तो अगर ऑफिस में आप अच्छा करने का कोशिश करोगे ऑफिस अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके चक्कर में वहाँ पे जो महल एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है वो वाइब्स चारों तरफ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप हमेशा सोचें कि हम इस धरती को अच्छा करने का कोशिश करें, कभी भी ऐसा ना सोचें कि इस धरती में किसी के साथ अगर मतलब गलत हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क आज ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, वो फर्क हमें पड़ सकता है, हमारा बेटे को उसके लिए चुकाना पड़ सकता है, उसका बेटे को चुकाना पड़ सकता है, किसको चुकाना पड़ेगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, इसलिए हमेशा हम सही के साथ चले और सही रास्ते में चले और सबको सही रास्ता दिखाए। जितना भी हमारे मतलब कॉन्टैक्ट में आता है, जितना भी बच्चा हमारा कॉन्टैक्ट में आता है, जितना भी हमारे साथ लोग कॉन्टैक्ट में आता है, हमारा कॉलेज कॉन्टैक्ट में आता है, हमारा ड्राइवर, हमारा ये जितना भी हमारे साथ लोग कॉन्टैक्ट में आता है, सबको कोशिश करें वो अच्छा हो पाए। और अच्छा जब सब लोग रहेंगे तभी आप सुकून का ज़िंदगी जी पाएंगे। और सुकून का ज़िंदगी जीना बेहद ज़रूरी है, क्यों ना, आप देखो हमारा लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं है, इस धरती में 22,000 से 25,000 दिन एक आदमी जी रहा है। अब उसमें जो है अगर आपको लड़ते झगड़ते ही आपका दिन बीत जाएगा तो आप क्या जी लोगे, ठीक है, लड़ते झगड़ते ही रहोगे क्या सारा ज़िंदगी भर, तो हम कैसे ये चीज़ को ख़त्म करें ना। उसके लिए हमें, जैसे मान लो आपने रास्ते में निकाला, आपने बोला मैंने तो एकदम ट्रैफिक रूल मान के एकदम बहुत ही एकदम मतलब सही तरीका से कार चला रहा हूँ, आप दूसरा जो बाकी लोग चला रहा है वो लोग जो है मान लो अगर गलत तरीके से कर रहा है तो क्या कर लोगे, क्या उसके बाद एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है क्या, क्या आप खुशी खुशी आप सेफ्टी आप बोल सकते हो कि आपका सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आप सही चला सही भी चलाओगे तभी लोग आके टक्कर मार के चला जाएगा, क्या कर लोगे। अब ये जो चीज़ है ध्यान रखना है कि हमें ये जहाँ भी कोई गलत है तो हमें गलत को गलत सही को सही बोलने का पहले तो बोलना सीखो कि हाँ ये गलत है और ये सही है तो सही है। सिर्फ हमारा प्रॉफिट के लिए हमारा फ़ायदा के लिए अगर आप गलत को साथ देते हो तो ध्यान रखना दूसरा बारी आपका भी है। इसलिए क्या मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस धरती में अगर आपको आपके बच्चे को आपको उसका जो है नेक्स्ट पीढ़ी को एक के बाद एक जो है हमारा जो जनरेशन है जनरेशन बाई जनरेशन अगर अच्छा रहना है तो हमारा सिस्टम को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, सब आदमी को सोचना पड़ेगा, नॉट ओनली मी आपको भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो सबको नहीं सब मिल के अगर नहीं सोचेंगे तो हम इस सोसाइटी को सुधार नहीं सकते, क्योंकि हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं आपको अभी पता चल जाएगा एक कोरोना वायरस से, क्योंकि आप जहाँ से भी आदमी से मिलते हो किससे मिलते हो क्या मिलते हो वो आपको कैसे पता चलता है, बट वो जो है इफेक्ट आपको कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब है हमें सोसाइटी में खुश होकर रहने के लिए हमेशा सोचना है कि दुनिया में सब लोग अच्छा रहे और सब लोगों को अच्छा करने का कोशिश करना है, अपना भी अच्छा करो और आपको उसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं उसको भी अच्छा हो ऐसे सोचो, पहले सोच लेके आओ।
पहले सोच लेके आओ, उसके बाद आपका काम करना शुरू करो उस डायरेक्शन में, तब जाके हमारा जो सोसाइटी है एकदम अच्छा सोसाइटी बनेगा। और अगर अच्छा बनेगा तब जाके आप, आपका परिवार, आपका जो बच्चे बीवी जितना भी लोग है, आपका जितना भी मतलब रिलेटिव्स भी है, फ्रेंड्स भी है, जो भी है, वो सब लोग अच्छा रहेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, दो चार एलिमेंट भी गलत हो जाता है तो सोसाइटी बिगड़ जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हम क्या करता है, उस जो दो चार गलत है उसको हम गलत को गलत बोल नहीं पाता है, डर के मरे, किसी के मरे कोई भी है उसको बोल नहीं पाता है। अगर आप बोल नहीं पाते हो तो दूसरा बारी आपका भी है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है ना, हमारा पूरा देश में, पूरा दुनिया में हम हमेशा कोशिश करें कि सबका अच्छा हो। अगर सबका अच्छा होगा तो सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छा होंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा है उसको बड़ा होने के लिए आप मदद करें, उसको अच्छा होने के लिए मदद करें, उसको गाइड करें। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा पैसा देने का बोला जा रहा है, उसके लिए अच्छा सलाह भी तो दे सकते हो, अच्छा सलाह भी तो दे सकते हो, अच्छा गाइड भी तो कर सकते हो। तो ऐसे करें, जो अगर आप अगर ऐसे करोगे तो जाके आपका जो है सोसाइटी अच्छा बनेगा, ये मेरा कहना है। इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका जिंदगी आपके बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बाहर से, आउटसाइडर से मतलब रखता है। और अगर आउटसाइडर से मतलब रखता है तो आउटसाइडर्स को भी अच्छा बनाएं, यही है, यही हमारा कहना है। नमस्कार, खुश रहे और खुश रखे, सबको खुश रहे। और अगर आप खुश रहे तभी आप लोगों को खुश रख पाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ आप खुश रहे। अब उसके साथ बोल रहा हूँ खुश रखे, खुश रहे भी खुद से और पूरा दुनिया को खुश रखे।